स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे स्पेस हैबिटेट के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले स्पेस हैबिटेट के पीछे पैसा क्यों खर्च करना है? हिसाब ये है कि धरती का एक कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा आदमी आप इस पर नहीं डाल सकते चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है जैसे इंसानी शरीर गर्मी देता है, तो समझिए पर आदमी का अगर आप रफ एवरेज लेना चाहते हैं तो 100 वाट का हीटर की तरह काम कर रहा है। तो अभी समझिए कि धरती में 10 बिलियन लोग हैं, तो 10 बिलियन गुना 100 वाट का हीट हमारा बॉडी ही प्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा करके एक लिमिट बन जाता है कि पृथ्वी में करीब 2-3 ट्रिलियन, मतलब बिलियन के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा जीरो लगाने के बाद, उससे ज़्यादा इंसान आप रख नहीं सकते, क्योंकि गर्मी से ही सब लोग जल जाएंगे। और ये इंसान मतलब बॉडी की गर्मी, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। और मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ बिजली का, बिजली बनाने में जो गर्मी पैदा होता है, जो बिजली इस्तेमाल करने में गर्मी पैदा होता है, फिर बहुत सारे मतलब ट्रांसपोर्ट में जो बिजली गर्मी, मतलब एक लिमिट है आपके पास स्पेस का, एक बहुत सीरियस लिमिट है। तो वो लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको स्पेस में जाना है। काहे? देयर इज लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस। सो आपको एक बहुत जगह आपने सुनते होंगे कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसे कहते हैं डाइसन स्फीयर। लेकिन डाइसन स्फीयर बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि मतलब फिजिक्स अलाउ नहीं करता, बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन डाइसन स्वार्म बनाया जा सकता है, और जो ऑथर थे जिन्होंने ये बात स्टैब्लिश की, वो डाइसन स्वार्म की ही बात कर रहे थे, लेकिन स्फीयर की तरह लोग आसानी समझने लगे तो स्फीयर वर्ड टिक किया। तो आप समझिए कि पूरे सोलर सिस्टम में कई अरब खरब खरब इंसान को आप रख सकते हैं, और पर इंसान को आप एक कॉन्टिनेंट के साइज, मतलब पूरा एशिया जितना जगह दे सकते हैं अगर आप स्पेस में चले जाते हैं। तो मतलब समझिए जगह के मामले में अंतरिक्ष में कोई जगह की कमी नहीं है। और मैं सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी नहीं कि आप बाहर दूर जा रहे, नहीं, सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो समझ लीजिए जगह तो बहुत है। दूसरा, अब इंसान कहीं पर भी रहेगा उसको ऊर्जा बहुत चाहिए, तो ऊर्जा का मेन सोर्स पृथ्वी पे सूर्य है। और सूर्य का पूरा एनर्जी धरती को मिलता नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी मतलब थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लॉक करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लाउड्स हैं जिसके चलते आपका सोलर पैनल नहीं चलेगा, रात को तो आपका चलेगा ही नहीं सीधे सीधे। तो सूर्य का सीधा सीधा पावर अंतरिक्ष में आपको मिलेगा, तो आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं और चला सकते हैं। फिर आप किसी बोलिएगा, ठीक है हम स्पेस में क्यों जाएं, हम किसी दूसरे ग्रह पे क्यों ना चला जाएं, हम मंगल पे क्यों ना चले जाएं? तो पहला आप ये समझिए कि आप मंगल पे भले चले गए, मंगल में आपने भले मतलब एटमॉस्फेयर दे दिया कुछ भी करके, पर मतलब एक पर्यावरण का व्यवस्था कर दिया आपने, कुछ भी कर दिया, आप उसके ग्रेविटी का कुछ नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पे कितना भी आप तिगड़म लगा लीजिए, आप ग्रेविटी नहीं बढ़ा सकते। उसका जो ग्रेविटी 1G से नीचे है तो 1G के नीचे ही रहेगा, और बहुत नीचे है। मतलब अगर आप वहाँ पे रह गए मार्स पे कई साल के लिए, आप वापस पृथ्वी पे नहीं आ सकते। आपके हड्डी इतनी कमज़ोर हो चुकी होंगी कि अगर आप वापस आने की कोशिश किए, मतलब हटा रहा हूँ कि कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गई जो मैजिकली आपका हड्डी को मतलब गलने से बचा लेती है, तो अगर वैसा नहीं हो रहा है, मतलब आपका बस मैजिक टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपका हड्डी गलने से बचा रहा है, आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम था। तो स्पेस हैबिटेट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कंट्रोल मिलेगा, आप हर चीज़ को कंट्रोल कर पाइएगा। तो चलिए इस पूरे तिगड़म का जन्मदाता जो है वो है जेरार्ड किचन ओनील, और इसीलिए आप कई बार सुनते हैं ओनील सिलेंडर, ओनील स्फीयर एंड इस तरह के बात। तो ओनील जो थे वो एक, उन्होंने किताब लिखी थी 1977 में, और आप ये समझिए कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। तो मतलब इनके नाम पे काफ़ी सारे भारी भारी अवार्ड्स लगे हुए हैं, PhD हैं। तो जब अपोलो स्पेस मिशन ख़त्म किया गया, जब अपोलो मिशन ख़त्म हो गया, मतलब मून मिशन ख़त्म हो चुका था, उसके बाद इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लिया और उनको एक प्रॉब्लम दिया कि सॉल्व करो कि कैसे मतलब अंतरिक्ष में रहने के लिए जगह किया जा सकता। और उनका लिमिट था कि जो टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल करके, ऐसा नहीं कि मतलब भविष्य में ये बनेगा तो भविष्य में वो होगा, वैसा नहीं। जो आज है, जो औजार आपके पास है, उससे कैसे बनाया जा सकता है। तो इसने जो बात किया, जो मैथमेटिक्स पे हिसाब लगाया गया, उसमें आया कि स्टील, कांच, ये सब चीज़ जो मतलब है, और ये समझिए 1970s की बात कर रहा हूँ, कोई करंट जेट टेक्नोलॉजी नहीं, 1970s जेट, इनका हिसाब आया मैथमेटिकली। मतलब जितने मैथ पे इन्होंने Saturn V रॉकेट बनाया था, जो जिससे चांद पे गए थे, उतना ही मैथमेटिक्स लगाने के बाद इनका हिसाब ये आया कि बहुत बड़ा हैबिटेट बनाया जा सकता है, जिसमें 100-200 लोग नहीं रहेंगे, कई लाख लोग रखे जा सकते हैं। मतलब एक छोटा गाँव से एक छोटा शहर तक का बनाया जा सकता है। और साइज़ इनका आया स्टील और ग्लास इस्तेमाल करके, कि ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर का मतलब चौड़ाई, मतलब डायमीटर बना सकते हैं, और लंबाई में 21 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मतलब बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब अनस्टेबल हो जाता है स्ट्रक्चर। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इतना बड़ा है, ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया देता है अंदर में,
और इससे इनका रेडिएशन का कैसे सलटना है, कैसे लाइटिंग करनी है, कैसे एनर्जी समझाना है, तो सब चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद, चूँकि इन्होंने फिजिक्स के बेसिस पे मतलब कहानी तो बहुत लोग लिखते हैं लेकिन इन्होंने फिजिक्स का इस्तेमाल किया, मैथ करके दिखा दिया कि भैया ये काम करेगा, तो इनके चलते काफ़ी इंटरेस्ट आ गया कि एक्चुअली इंसानियत स्पेस में कुछ कर सकता है। क्योंकि आप समझिए, ये चांद के बाद आए हैं तो सब लोग तो पता था कि अंतरिक्ष में जा सकते हैं लेकिन कुछ करने का नहीं था, मतलब अरे गए आ गए, मतलब एक घूमने का जगह हो गया, जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप घर बनाने नहीं जाते ना, तो बस एक बार घूम के आ गए। तो इन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया कि नहीं, इंसानियत आगे बढ़ सकती है पृथ्वी से, अंतरिक्ष में रह सकती है, ग्रह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अंतरिक्ष में ही रह सकते हैं। तो कंट्रोल, जो मैंने बोला कि आपको कंट्रोल मिलता है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जब आपको ग्रेविटी चाहिए तो ग्रेविटी बनाने का कोई मैजिकल तरीका तो है नहीं हमारे पास, जैसे कि स्टार वॉर्स या स्टार ट्रैक में दिखाते हैं कि शिप में लोग सीधे सीधे चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस है ग्रेविटी। तो राइटर और एक्टर्स वो इसलिए कर देते हैं ताकि मतलब बार बार CG बनाना पड़ेगा कि लोग फ्लोट कर रहे हैं, बहुत खर्चा होगा, तो सीधे सीधे लिख देते हैं। तो रियल लाइफ में आपके पास एक ही तरीका है जिसमें कि आप घुमाइए, तो जैसे आप एक पानी का बाल्टी लेके घुमाने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा जब ऊपर जाता है पानी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको पुश कर रहा है। तो ग्रेविटी को आप ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं, मतलब हकीकत की ग्रेविटी आपके पास नहीं देगी लेकिन आप सिमुलेट कर सकते हैं। तो सिमुलेट करने से फायदा ये होगा कि आपको लगेगा कि आप ग्रेविटी में, आप चल पाइएगा कि आप ग्रेविटी में, आपको मतलब पानी पीना है तो पानी ग्रेविटी जैसा बिहेव करेगा। तो इसके स्पिन ग्रेविटी से हम लोग कॉम्पनसेट कर सकते हैं। और हिसाब यह है कि इसे ऐसा नहीं है कि ये बस मैं बोल रहा हूँ, नासा खुद भी एक बनाना चाह रहा था सेंट्रीफ्यूज जो कि ISS पे जोड़ा जाएगा। ये नॉटलस शिप डिज़ाइन है जो ये लोग मार्स जाने के लिए शिप का जो काम कर रहे थे वो इस्तेमाल करेंगे। तो और इसी का डिज़ाइन का अपग्रेडेड वर्जन आपके पिक्चर मार्शियन में दिखाया गया, जो सेंट्रीफ्यूज घूम रहा था बीच में। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रीफ्यूज काम नहीं करता, एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं और टेस्टेड भी हो चुका है। तो सेंट्रीफ्यूज के बारे में तो सोचना नहीं है, ग्रेविटी हो जाएगा। और हिसाब ये आया कि जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो सबसे मिनिमम कंफर्टेबल रहने के लिए आया कि ये डायमीटर जो है ये 500 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आधा किलोमीटर चाहिए, मतलब आपको बड़ा चाहिए, कोई छोटा चीज नहीं है। तो 500 मीटर पे ये आपको धीरे से घुमाना पड़ेगा, मतलब एक रोटेशन पर मिनट, मतलब एक चक्कर एक मिनट में काटना है, RPM जिसे कहते हैं। और अगर आप बड़ा बनाते गए, जैसे पिक्चर इलिसियम जो था जैसे बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा बनाते तो बहुत देर घुमाना पड़ेगा आपको, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और बहुत छोटा आप इसलिए नहीं बना सकते कि आपके पैर पे बहुत ग्रेविटी रहेगी लेकिन सिर पे ग्रेविटी ही नहीं रहेगी, तो आप चकरा जाइएगा। तो इस कारण से बड़ा बनाना अच्छा रहता है। तो ग्रेविटी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, जो सबसे बड़ा तिगड़म है। दूसरा, चूँकि यह पूरी तरह से सील्ड है, आप इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर डाल सकते हैं और एटमॉस्फेयर में मतलब स्पेसिफिक गैस डाल के आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कि इंसान को रहने में कैसा लग रहा है। तो कंट्रोल के मामले में इससे आगे तो जा ही नहीं सकते, मतलब आप मंगल पर पहुंच के कुछ नहीं कर सकते, मंगल की ग्रेविटी को आप नहीं बढ़ा सकते, इसमें तो आपको ग्रेविटी अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। मान लीजिए आपको किसी कारण से हुआ कि नहीं, मार्स में देखना चाहते हैं कि क्या होगा अगर मार्स की ग्रेविटी में रहे, इसका रोटेशन धीमा कर दीजिए, धीमा करने के बाद आपको आराम से दिखने लगेगा कि क्या होगा अगर हमारी ग्रेविटी कम हो जाती है। तो कंट्रोल है। कंट्रोल के बाद ये आता है कि ठीक है सब चीज़ तो है लेकिन करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे नॉर्मल सोलर सेल है, जो ISS का सोलर सेल का मैं फोटो दिखा रहा हूँ, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब समझिए गाड़ी खोल देगा स्टेशन से लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करता है। मतलब हमारा सूर्य समझिए पूरा पानी दे रहा है, उसमें से ये बोलता है नहीं भैया हम थोड़ा सा ही पानी लेंगे। तो आप चाहोगे ना कि ज़्यादा बड़ा कलेक्ट कर सको, तो बड़ा कलेक्ट करने के लिए आपको सोलर थर्मल जाना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दिया, देख सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक किलोमीटर एरिया में आपने लगाया तो कितना ऊर्जा मिलेगा, वर्सेस ये एक किलोमीटर एरिया में लगाया तो ये ज़्यादा ऊर्जा देगा। इसी कारण से इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद है। सोलर से हमारी गाड़ी खुल जाएगी लेकिन आगे चल के इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पर मेगावाट जो मतलब कई 100 मेगावाट की बात कर रहे हैं, तब ये सस्ता भी पड़ने लगता है। दूसरा, ठीक है आप अंतरिक्ष में गए, आपके पास एटमॉस्फेयर है, आपके पास ग्रेविटी है, आपके पास पावर है, खाना खाओगे क्या? तो खाने के लिए आपको खाना उगाना पड़ेगा। तो खाना उगाने के लिए आपको वर्टिकल हाइड्रोफोनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर आपको हाइड्रोफोनिक्स समझ में नहीं आता तो आप बस ऐसे समझिए, आप खेती कर रहे हैं और आपने मिट्टी लिया और मिट्टी हटा दिया, आप बिना मिट्टी के अगर खेती करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स। अब बोलिएगा ऐसा तिगड़म नहीं है, ये 100 साल से पुराना टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके आधा से ज़्यादा टमाटर जो आपके सॉस में आता है विदेशी वाले में, उसमें तो टमाटर मतलब हाइड्रोफोनिक से ही उगाया जाता है। और काफ़ी सारे कंट्री जैसे मलेशिया है जिनके पास ज़मीन नहीं है बहुत, वो हाइड्रोफोनिक्स पे काफ़ी खर्च कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम लोग इसका एकदम ज़रूरत नहीं था लेकिन अब ज़रूरत पड़ रहा है, जगह जैसे जैसे कम होते जा रहा है तो हाइड्रोफोनिक्स करना पड़ता है। तो हाइड्रोफोनिक्स में ये फ़ायदा होता है कि जो भी उगाया जाता है, जैसे मान लीजिए लेटस है, मतलब
लेटस को क्या बोलूँ, मतलब समझिए आप गोभी जैसा उगा रहे या पत्ता गोभी उगा रहे हैं, तो उस तरह का चीज़ अगर आप उगाते हैं तो जड़ नहीं खाया जा सकता, मतलब अगर आप ज़मीन पे उगा रहे हैं, यहाँ पे आप जड़ को खा सकते हैं। और हर चीज़ जो इसमें उगाया जाएगा उसका जड़ खाने लायक रहता है, तो समझिए पूरा यूटिलाइज हो जाए, पहला बेनिफिट तो वो हो गया। दूसरा, ये पानी पे ही सीधा चलता है, तो आपको मतलब झंझट नहीं, और इसको फंसाने के लिए मतलब समझिए प्लास्टिक का जाली दिया जाता है ताकि वो पानी में डूब ना जाए, मतलब पानी में डूबना नहीं चाहिए। तो प्लास्टिक, ये पानी को सर्कुलेट करने से मतलब उसमें न्यूट्रिशन डालना बहुत आसान है, उसमें मैनेज करना आसान है। मान ली पानी को आप तुरंत चेक कर सकते हैं, भैया इसमें एसिडिटी की ज़्यादा हो गई, थोड़ा तुरंत घटाओ, बेस लेवल बढ़े जा रहा है, थोड़ा सा एसिड डाल के थोड़ा सा पीएच लेवल मेंटेन करो। तो पानी में ये सब करना बहुत आसान है। और इसको उगाने के लिए अगर आप बहुत सारा उगाना चाहते हैं बहुत छोटे जगह पर, मतलब ताकि हवा आपको साफ ना करना पड़े, मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड हटाना ना पड़े, ये हटा दे आपके लिए, तो आपको बहुत सारा एक छोटे जगह पर रखना होगा। उसके लिए आपको लाल रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सादी रोशनी से उतना सारा प्लांट रखे तो पहले तो प्लांट उग नहीं पाएगा। तो आप प्लांट उगाने के लिए आप लाइट बढ़ाएंगे, लाइट बढ़ाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी तो पेड़ पौधा जल जाएगा। तो या तो आप ठंडा कीजिए उसके बाद एयर कंडीशन लगा के, या शांति से लाल लाइट दीजिए, जो ये इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। जैसे आपको पता है अगर हरा पत्ती पे आप हरा लाइट मारेंगे वो तो सीधे निकाल देगा, वो यूज़ ही नहीं करेगा। तो हमारे पेड़ पौधे सिर्फ नीला ही इस्तेमाल, मतलब नीला छू नहीं पाते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा नहीं एकदम कुछ नहीं करते, थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाल पे इनका समझिए रोजी रोटी चल रहा है। तो लाल रोशनी देके आप ये कर सकते हैं कि भैया ठीक है तुम सिर्फ लाल खाओ, मतलब बर्बादी कम करके ताकि टेम्परेचर ना बढ़ जाए। तो अगर आप बहुत सारा एक जगह पर रख दें टेम्परेचर कम रखना ज़रूरी हो जाता है, तो लाल रोशनी का इस्तेमाल करें। तो आप रोशनी अंतरिक्ष से सीधे नहीं डाल सकते, जैसे मैंने ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप अंतरिक्ष में खिड़की का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिक्चर में दिखा देता है, थोड़ी मोड़ी खिड़की तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन खिड़की से प्रॉब्लम होता है कि रेडिएशन भी घुस जाता है, और रेडिएशन ये सबके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे बुरा केस ये हो सकता है कि रेडिएशन थोड़ा सा इसको बिगाड़ा और आपको पता भी नहीं चला, मतलब देखने में अच्छी तरह फसल उगा आपने खाया लेकिन उसमें थोड़ा सा कंपाउंड डैमेज हो गया था, तो उसके चलते आपको कैंसर हो जाएगा। तो उसका इस्तेमाल मैंने उस वीडियो में बताया कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, और पेरिस्कोप जैसा सिस्टम से, मतलब कांच से ही ठीक किया जा सकता है। आपको शीशा नहीं चाहिए, मतलब शीशा से ठीक कर सकते, कांच नहीं चाहिए। तो खाने का भी इंतजाम हो गया, ठीक है। अब इसको सुरक्षा कैसे देंगे, जैसे आपको पता है कोई भी देश बनता है तो उसको अपनी आर्मी चाहिए होती है, अपना नेवी चाहिए होता है, एयरफोर्स चाहिए होता है, तो इसको सुरक्षा के लिए कैसे मिलेगा? तो सुरक्षा के लिए सबसे पहला है लेज़र डिफेंस। तो आप बोलोगे यार लेज़र तो पिक्चर में होता है, रियल लाइफ में थोड़े होता है। नहीं होता है, US मिलिट्री करोड़ों पे करोड़ों खर्च करें, वो तो ICBM फोड़ने तक लेज़र चले गए थे। प्रॉब्लम ये है कि लेज़र जो है हमारा एटमॉस्फेयर लेज़र को आने जाने नहीं देता है, लेकिन अंतरिक्ष में लेज़र बहुत इफेक्टिव हो जाता है। मैंने नीचे एक प्रोफेसर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ जिसका आप वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो आप ये समझिए कि लेज़र में एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं पल्सिंग लेज़र। बेसिकली आप लेज़र में जो पावर डालते हैं, जो ऊर्जा डाल रहे हैं, जैसे 1 मेगावाट है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप वो 1 मेगावाट जनरली आप बोलिएगा तो इसका मतलब है 1 घंटे तक 1 मेगावाट। तो ये लोग 1 मेगावाट को लिए कैपेसिटर में स्टोर की, और इसको जब छोड़े मतलब 1 मेगावाट से जब लेज़र बनाए तो उसको एकदम 1 मिलीसेकंड के हिस्से में डाल दिया। अब फायदा ये होता कि उस दरमियान पावर रेटिंग बहुत बढ़ गया। अब पावर रेटिंग जो बढ़ा तो उससे लेज़र इतना पावरफुल बनाया जा सकता है कि वो लेज़र जब टच करेगा किसी चीज़ को, मतलब वो जो फोटॉन्स टच करेंगे किसी चीज़ को, वो वहाँ आग नहीं लगाएंगे, वो उस जगह को गर्म नहीं करेंगे, वो एटॉमिक लेवल पे जाके तोड़ देंगे। मतलब आप समझिए, आप तो पढ़ते हो केमिस्ट्री में, जैसे कि कंपाउंड है, कंपाउंड को आप ब्रेक करते हैं एलिमेंट्स में, ये एलिमेंट को ब्रेक कर देगा, मतलब जो उस जगह पर ये भिड़ रहा है वहाँ पर सब चीज़ तबाह कर देगा। मतलब सोचना ही नहीं, ये गर्म नहीं कर रहा है, आग नहीं लगा रही, ये उड़ा दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। तो इसको एनाइलेशन कहा जाता है। तो एनाइलेशन के लेवल का लेज़र आप अगर पृथ्वी में इस्तेमाल किए तो प्रॉब्लम ये कि जैसे लेज़र आपका ये जैसे कैविटी छोड़ के जैसे आगे आएगा वो सीधे एटमॉस्फेयर से भिड़ रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर तो है ही, अब एटमॉस्फेयर ही उसका ऊर्जा खाने लग जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको 100 मीटर दूर आगे प्लेन है जिसको उड़ाना चाहते हैं, लेज़र जाते जाते तक बेचारा यहाँ से आप 1 किलोवाट छोड़े, बेचारे के पास पहुँचा 10 वाट। तो इसीलिए ये उतना सक्सेसफुल धरती पे नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में जो कि पल्सिंग किया जा सकता है और अंतरिक्ष में हवा नहीं है जो मतलब उससे एनर्जी निकालेगा, बहुत तगड़ा तगड़ा लेज़र जो कि मतलब ICBM मिसाइल उसाइल को तुरंत ऐसे ऐसे फोड़ सकते हैं आप बिना कोई टेंशन के। तो लेज़र हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम होगा। दूसरा, आप अंतरिक्ष में ये फ़ायदा होता है कि अंतरिक्ष में कोई छिप नहीं सकता, ना आप छिप सकते हैं ना आपका दुश्मन छिप सकता है। ये बात आप ध्यान से समझिए कि अगर आप जैसे कोई भी हैबिटेट बनाए जो घूम रहा है उस पर आप हर तरफ कैमरा लगाएंगे ऑब्वियसली, अब कैमरा से आपको एक पूरा पिक्चर मिल रहा है कि कहाँ कहाँ पर कितना तारा है। मतलब ज़मीन से तो आपको ज़्यादा तारा नहीं दिखता, लेकिन अंतरिक्ष में कई लाख करोड़ तारे दिखते हैं, तो मतलब इंसानी आँख को नहीं, मतलब मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ। तो अगर उस दरमियान कोई छिप के आया पूरा काला पेंट करके मान लीजिए आ रहा है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि मतलब कैमरा की नज़र से दिखेगा कि ये पूरा 2D फोटो है जिसमें खूब सारे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के ऊपर रैंडमली इक्लिप्स आ जा रहा है, मतलब समझिए ग्रह लग जा रहा है, तो उसके बाद ये कुछ घोटाला है।
और मान लीजिए वो लगाता है कैमरा लगा के कि हम पीछे वाला जो फोटो है वो इधर आगे दें, वो एक कैमरा के लिए अच्छा है, लेकिन अगर 25-26 तरीके से आप कैमरा देख रहे हैं तो वो पैरालैक्सिंग के चलते घोटाला है इधर कुछ घोटाला है। तो आप अंतरिक्ष में छिप नहीं सकते, चाहे आप रेडार से छिपिए चाहे कुछ भी कीजिए, आप अंतरिक्ष में छिप नहीं सकते। एटमॉस्फेयर नहीं है जो आपका आधा से ज़्यादा समस्या हटा देगा। तो आप समझ सकते कि आप स्पेस में हैं, आपके पास लेज़र है जो बहुत अच्छे से काम करेगा, हर चीज़ पे काम करेगा। दूसरा, आपको डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, और प्लस आप स्पेस में बहुत बड़ा रेडार बना भी सकते हैं, मतलब फिजिकली बड़ा बना सकते हैं, और उसके बाद उसमें पावर भी आप बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि धरती में डालने में ये होता है कि एटमॉस्फेयर बर्बाद कर देता है वो पावर, तो पावर डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अंतरिक्ष में आपको डिटेक्ट भी बहुत आसानी से होगा, ठोक भी आ सकते हैं। उसके बाद आप बोलिएगा ठीक है, लेकिन बाद में तो छोटा मोटा पत्थर तो गिरता ही रहता है, जो जिसको आप टूटता तारा कहते हैं, तो वो सबसे ये सब कैसे बचेगा, मतलब आप जो स्पेस में डालें। तो आप ऐसा समझिए, जो मेरा मंडे का वीडियो था ऑर्बिट्स के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसमें एक आर्मर लगाया गया है। आर्मर ये है कि नासा को पता था कि भैया 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटा एल्युमिनियम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, मतलब वजन के चलते। तो इन्होंने क्या किया कि एल्युमिनियम को काटा बीच से, एक ठोको आगे किया, एक ठोको पीछे किया। अब ये गैप होने के चलते जब भी कोई हाई स्पीड यानी हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल टच करता है किसी भी चीज़ को, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और ये स्पीड का है, तो मतलब कुछ भी बनाइए वो जैसे ही इतने हाई स्पीड पर किसी चीज को छुएगा वो चकनाचूर हो जाता है। तो जैसे ही कोई हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एल्युमिनियम को छुआ, चकनाचूर हो गया। अब ये किया क्या कि चकनाचूर होने के बाद वो सब छितरा जाता है, छितराने के बाद आपका पतला ही एल्युमिनियम आराम से रोक लेता है, क्योंकि एरिया बढ़ जा रहा है। आप समझिए, बंदूक में ताकत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो पूरा ताकत एक उंगली जितने एरिया में रहता है, इसीलिए आपके बॉडी के थ्रू चला जाता है। ताकत उसमें ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आप बंदूक फायर कर रहे हैं तो 100-150 टन का ताकत है उसमें, मतलब जितना झटका आपको पीछे लगता है गोली में भी होता ही है, लेकिन आपको पूरा एक समझिए एक गन बट लगाया रहता है जो इतने बड़े एरिया में झटका दे रहा है, और गोली एक सुई की तरह धड़ाक से घुस जा रहा है। तो इसीलिए मल्टी लेयर आर्मर का इस्तेमाल करके आप एक ऐसा आर्मर बना सकते हैं जो इस्तेमाल में है, जिसे हम लोग पता जानते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि ये बहुत अच्छे से रोक सकता है। इसीलिए ISS टिका हुआ है अंतरिक्ष में, क्योंकि उसमें हर दिन कई सौ चीज़ भिड़ते रहते हैं, मतलब छोटा छोटा पेंट है, छोटा छोटा तार है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ आ गया तो ये झेल लेगा, नहीं तब नहीं झेलेगा, लेकिन छोटे छोटे चीज़ संभाल सकता है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कोई भी छोटा सा पत्थर आ रहा है उसके लिए लेज़र लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, आपका आर्मर आराम से झेल लेगा। तो ISS में ये कि मोटा एल्युमिनियम का आर्मर है, उसके बाद केवलार लगा हुआ ताकि वो छितराने के बाद जो श्रैपनल्स निकल रहे हैं वो भी अब्सॉर्ब हो जाए, उसके बाद एल्युमिनियम में प्यार से वो झटका रोक ले रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन है। और अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छे से चांद पे माइनिंग कर रहे हैं, मून माइनिंग, आप मेरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं, तो आप टाइटेनियम से बना लीजिए या टंगस्टन कार्बाइड से बना लीजिए, वो इतना ठोस होता है कि कोई भी चीज़ उसको नहीं पार कर पाए, उसके बाद तो गोली जो बनाया जा रहा है वो भी नहीं पार कर पाएगा, तो टेंशन नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है, मान लीजिए कोई ग्रह किलर बोला गया, प्लैनेट किलर कोई आ जाता है, जैसे कि जो एस्ट्रॉयड मतलब डायनासोर को ऊपर पहुंचा दिए, उस तरह का जो चीज़ आ गया जिसको आप हटा नहीं सकते, जिसको आप ये नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, इतना बड़ा है, मतलब समझिए चांद के साइज का कोई चीज़ आ जा रहा है आपकी तरफ, तो आप क्या कीजिएगा? ये मोबाइल है, मतलब आप कहीं बंधे हुए नहीं, आप आराम से हट सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप बहुत बड़ा बना दिए तो ऐसा नहीं कि फटाक से रॉकेट फायर किए हट गए, ऐसा नहीं होगा, आपको डिटेक्ट करना होगा, टाइम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप हटा सकते हैं। तो मोबाइल होने के चलते जो कॉस्मिक लेवल का प्रॉब्लम है, जो कि मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ आ गया, आपको लड़ना नहीं है उससे, आप आराम से उसके रास्ते से हट सकते हैं। भैया ठीक है, ठीक तुम्हारे आओ आओ, हम हट जाते हैं रास्ते से, मतलब जैसे सुनामी आ रहा है तो सुनामी से आप लड़िएगा नहीं, बोले ठीक है हम हट जाते हैं ना, हम हट जाते हैं, हम ये पहाड़ को लेने दे देंगे, झेलो सुनामी को। तो डिफेंस के मामले में आपको नहीं सोचना है, मतलब पिक्चर में भले दिखा देता है कि अंतरिक्ष में जो चीज़ होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन टिकाऊ बनाया जा सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस हैबिटेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कॉमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे फ्यूचर फ्राइडे के में, और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला हो जाएगा। और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।